तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम खेलने वाला माइनक्राफ्ट। जैसे कि आपको पता ही है, अभी दशहरा आने वाला है, तो दशहरा आएगा तो रावण को जलाना तो बनता ही है। इसीलिए मैंने रावण को बनाने की ठान लिया दोस्तों। और यहाँ पर मैं रावण की जूता बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्तों, जो कि है मेरे ऑडियो फाइल पूरी करप्ट हो गया और डिलीट हो चुकी है दोस्तों। इसीलिए मैं इस वीडियो के ऊपर मेरी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शानदार जूता बन के तैयार हो चुकी है, जिसमें लाल रंग, काले रंग और पीले रंग यूज़ किया गया है, और बहुत ही शानदार दिखाई भी दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर की पैंट बनाने वाले हूँ रावण को, जिससे वो एक कोंकर और बहुत अच्छी दिखेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं पैंट की एक आउटलाइन बना चुका हूँ, और इसको पूरी तारे चारों तरीके से अभी फिल करना बाकी। फिल करने के बाद मैं ज़रूर एक श्योर अश्योरिटी देता हूँ कि शानदार तरीके से दिखने वाली है दोस्तों, जो कि दिखने वाली है अभी के अभी दिखाई देता है। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी कट कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको। पूरी वीडियो तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये बहुत ही लगभग दो दिन लंबी वीडियो है। दो दिन कंटिन्यूस नहीं है, लगभग पाँच घंटे की वॉच टाइम की वीडियो है। पर मैं कट करके लगभग 10 मिनट की वीडियो बना चुका होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पैंट में कुछ डिज़ाइन ऐड कर रहा था, और यहाँ पर एक शानदार आउटलुक आ चुके है पैंट की, पैंट या लेग भी कह सकते हैं आप, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है दोस्तों। अभी के लिए बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। होपफुली ये हमारे ऊपर की अपर बॉडी से भी मैच करेगी। और यहाँ पर मैं पीछे के जूते के भी कंप्लीट करने की ठान लेता हूँ, और कंप्लीट करना शुरू भी कर लेता हूँ, जिससे एक शानदार लुक भी आएगी। आधी अधूरी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं लगती दोस्तों, इसीलिए इसको पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर देख सकते अभी शानदार तरीके से पूरी करने के बाद एक शानदार लुक आ चुकी है, जो कि बहुत ही ठीक ठाक है। हम पूरी रावण को जलाने वाले हैं विजयदशमी के दिन। आप उस वीडियो के भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही। थोड़ी दिन रुक रहे, अभी दो दिन बाकी है मे भी विजयदशमी के लिए। मैं जब रिकॉर्ड ये वीडियो बना रहा हूँ तब दो दिन बाकी है, जो मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब दो दिन बाकी है। मैं जब अपलोड करूँगा, कब अपलोड होगा मुझे भी नहीं पता है दोस्तों। अभी मेरा एडिटिंग भी बाकी, सभी को ट्रिम करना है, कट करना है, इफेक्ट्स डालना है, सब कुछ करना है। यहाँ पर एक गलती भी हो चुकी है मेरे से। मैं जब लेग बना रहा था, लेग बनाते जाया गया और अपर बॉडी भी बनाना शुरू कर दिया था, पर मेरा रिकॉर्डिंग बीच में रुक गया था, जो कि मैंने नहीं देखा। पर अभी आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से मेरा ये अपर बॉडी कुर्ता पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि लाल रंग की बनाई गई है, तो कि जो बहुत ही शानदार दिख रही है। और देख सकते हैं अभी और एक बार दिखाऊंगा अभी आपको, रुक जाइए। अभी देख सकते हैं आप एक हम बेल्ट भी बनाए, जो कि काली और पीले रंग से बनाई गई है। उसके बीच में एक टारगेट ब्लॉक रखा गया है, सिर्फ जब मैं तीर मारूं उससे एक्टिवेट हो जाए, इसीलिए रखा गया है उसको। और एक शानदार लुक आ चुकी है हमारी लोअर बॉडी को। अभी बस हाथ और एक शॉर्ट बनाने हैं उसके, और दूसरे हाथ में एक शील्ड और 10 सर बनाने हैं। दशानन दस सर, क्योंकि उसका 10 सर होता है, इसीलिए उसको वो कुछ नाम से पुकारते हैं, पर हम तो रावण ही बोलेंगे अभी के लिए, जो कि विजयदशमी के दिन हम जलाएंगे इसको। और अभी मैं अपर बॉडी की थोड़ी हाइट बढ़ाना चाह क्योंकि छोटी रावण बहुत अच्छी नहीं दिखती। मैं ऊँची और एक ऊँची होगी तो बहुत अच्छी भी दिखेगी, और कुछ डरावना और कुंकार भी बना सकते हैं हमारे रावण को। और हम यहाँ रावण के अंदर बारूद की रूप में हम TNT से नहीं उड़ाने वाले दोस्तों, फ्यूर आग लगा के। आप देखे होंगे काफ़ी लोग TNT से उड़ा देते हैं रावण को, जो कि अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आग से जलाना एक प्रक्रिया होता है, एक एंशियंट टाइम से आ रहा है, आग से ही जलाया जाता है दोस्तों। आप भी देखते होंगे आग से ही जलाया जाता है, पर आजकल कुछ लोग रावण के अंदर क्रैकर्स डाल देते हैं, कुछ और उत्पातन चीज करते हैं, कुछ भी रॉकेट सब कुछ डालते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण की भी एक हानि होती है। इस चीज़ को आपको रोकना होगा। आप प्योरली एक जला सकते हैं रावण को, उसके बदले कि आप क्रैकर्स यूज कर रहे हो, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो सब नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे अभी वर्चुअली भी हम
देखिए तो मैं TNT नहीं यूज़ करने वाला हूँ, मैं TNT के बदले आग ही यूज़ करना प्रिफर करूँगा दोस्तों। मैं आग से ही जलाऊंगा, पर आप मत सोचिए कि आग से जलाऊंगा तो फट से नहीं चलेगी। मैं इसके लिए भी एक टेक्नोलॉजी सोच के रखा हूँ जिससे सिर्फ कमेंट से ही सभी जगह पे आग लग जाएगी मैं एक तीर मारते। तो आप देखते जाइए, वो सब मैं करूँगा, वो सब आइडिया मेरा दिमाग में अभी के लिए है। मैं अभी यहाँ पर शोल्डर बना रहा हूँ जो कि शानदार तरीके से दिख तो रहा है, कंप्लीट हो रहा है और दिखाऊंगा आपको। शोल्डर बना चुके हैं, अभी हाथ बनाना, एक बाकी हाथ और उसके ऊपर एक तलवार रखने की भी सोचा हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर शोल्डर बन चुके हैं हमारे, पेट शोल्डर बेल्ट, नीचे के पैर और जूता बन चुके हैं। और यहाँ पर मैं बटन लगा रहा हूँ यहाँ पर ड्रेस के ऊपर, जो कि काली बटन होगी। एक बटन को थोड़ा उभरा हुआ दिखाना है मुझे, बाहर की तरफ लगाना था। और यहाँ पर बेल्ट को पीली थी जिसको मैं ऑरेंज कर चुका हूँ। ऑरेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो तो मुझे केसर, हाँ केसर बोलते हैं ऑरेंज को, केसर बन के बना चुका हूँ। मेरा हिंदी बहुत शानदार है दोस्तों। मेरे साथ ऐसी हिंदी सीखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। देखिए अभी बटन को जैसे मैंने बोला मैंने लगा भी दिया बाहर की तरफ, जिससे एक शानदार लुक उभर के आ गई है। अभी देख सकते हैं चारों ओर से दिखा रहा हूँ अभी आपको, जिससे एक अच्छे व्यू आए आपको। अभी मैं यहाँ पर हाथ बनाते समय भी मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी दोस्तों, इसीलिए मैं हाथ बनाते हुए आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर कोई बात नहीं, आप देख सकते मैं अभी भी थोड़ी बहुत बना रहा हूँ, कुछ नहीं इजी थी हाथ बनाने वो, मैं कुछ कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी दोनों तरफ से हाथ बना के आपको आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर शानदार तरीके से दोनों तरफ के हाथे बना चुका हूँ, जो कि एक शानदार लुक भी दे रहे हैं हमारे रावण को। तो अभी थोड़ी दूर से दिखा दो, देख सकते हैं हमारी दोनों हाथ सामने की तरफ बनाए गए हैं। एक हाथ में हम तलवार पकड़ा देंगे और दूसरे हाथ में बिल्कुल हमें एक शील्ड पकड़ाएंगे। अभी देख सकते हैं मैं तलवार बनाने की प्रक्रिया में जुट चुका हूँ दोस्तों, जो कि एक शानदार तरीके से तलवार बन के रेडी हो जाएगी इससे। तो अभी तलवार बनते बनते देखिए, अभी एक मैंने सोचा कि एक नीली और उसके अंदर एक गोल्डन टेक्सचर ऐड करूँगा, जिसे गोल्डन सॉर्ट दिखेगी। यहाँ पर देख सकते हैं नीली उल से मैं एक आप कह सकते हैं नीली उल से मैं एक आउटलाइन बना चुका हूँ हमारी तलवार की। इसके अंदर हम पीली उल भरेंगे, इससे एक गोल्डन टेक्स्चर आ जाएगी, गोल्ड सॉर्ट लगेगी, होपफुली लगेगी। हाँ तो कुछ गोल्ड शॉट जितना ही लग रहा है, जो कि शानदार दिख रहा है। यहाँ पर एक डिटेलिंग करेंगे हम थोड़ी बहुत हाथ में, जो कि हमारी रावण तलवार पकड़े हुए दिखाई दे, इसीलिए एक डिटेल से एक करेंगे, जो कि अभी कर भी चुका हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शानदार तरीके से उभर के आ रहा है हमारी रावण की तलवार और हमारी रावण दोनों एक बहुत ही शानदार तरीके से उभर के आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारी मूर्तियाँ बनाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर भी सकते हैं। और मेरे चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है दोस्तों, तो प्लीज़ आपकी सख्त सब ज़रूरत मुझे अभी है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं शील्ड भी बना चुका हूँ। मैं पहले सोचा कि ब्राउन कलर की शील्ड बनाऊँगा, पर मुझे ग्रे कलर बहुत अच्छा लगा, इसलिए ग्रे कलर की शील्ड बना दिया। और आप देख सकते हैं ग्रे कलर की शील्ड बहुत ही शानदार दिख रही है, अभी दूर से दिखाई दे रहा होगा आपको। देख सकते हैं शील्ड और दूसरे हाथ में स्वॉर्ड, और अभी सिर्फ सर बनाना, 10 सर बनाना बाकी है। सर के ऊपर एक ताज भी बना, ताज यानी कि मुकुट भी बनाना है दोस्तों। अभी मूछ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ब्राउन कलर की मूछ रखने की एक प्रयास है, देखते ब्राउन कलर बहुत अच्छी आएगी तो उससे कंटिन्यू कर। अभी देख सकते हैं आप मैं मूछ कंप्लीट कर चुका हूँ और यहाँ पर एक फेस बना भी चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर फेस एक शानदार तरीके से आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी दिख रही है। और यहाँ पर ऊपर की मुकुट बना रहा हूँ, अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक मुकुट के ऊपर एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश थी मेरी, जो कि काफ़ी ठीक ठाक मुझे लगी। आपको क्या लगी कमेंट सेक्शन में लिख दो दोस्तों। और आपको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को और एक बार बोल रहा हूँ, पर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आप गुस्सा मत हो जाए कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर बार बार बोलना पड़ता है कि दोस्तों, क्योंकि मेरे सब चैनल पे आज तक अभी भी एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है जब से मैं चैनल शुरू किया हूँ।
जो कि आप समझते हैं कि बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। अभी देख सकते हैं, मैं बड़ा वाला सर तो बना दिया था, पर यहाँ पर अभी छोटी छोटी सर को बना रहा हूँ। और अभी ये पूरा कंप्लीट करके आपसे मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, आपके दोस्तों को और फैमिलियों को। इस वीडियो को तो आप शेयर ही कर सकते हो, क्योंकि ये दशहरा के दिन देखने लायक एक वीडियो होगी। और मिलता हूँ आपको आपसे थोड़ी देर के लिए, तब तक देखिए आप मैं जैसे कैसे सर बना तो रावण की। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं काफ़ी सर बना चुका हूँ वहाँ पर, और अभी यहाँ पर सारी सर बना चुका हूँ। अभी 10 सर बना चुका हूँ, और इसके ऊपर के मुकुट बना रहा हूँ। अभी छोटे छोटे मुकुट भी बनाना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो अच्छी नहीं लगती वो। अभी देख सकते हैं मैं छोटी छोटी रावण के सर के ऊपर भी एक मुकुट के ऊपर एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं 10 सर एक ही साथ में दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरफ 4 सर बनाया हूँ, उस तरफ 5 सर बन चुका है दोस्तों, और बीच में एक सर है जो कि शानदार लग रहे है। और आप देख सकते हैं मुकुट को कैसे बनाया गया है, और यहाँ पर एक सिनेमैटिक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि आप एंजॉय कीजिए दोस्तों। तो मैं मानता हूँ कि इस वीडियो को आप काफ़ी एंजॉय किए होंगे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखना, और इस मूर्ति को जलाने वाली वीडियो विजयदशमी दिन आ जाएगी दोस्तों, और आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।